स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चलिए आइए क्लास 11 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 1D का आज एक्सरसाइज करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1D का बेसिक कैसे किया जाता है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। तो बच्चों आज सीखते हैं एक्सरसाइज 1D सेट थ्योरी का जो एक्सरसाइज है। आइए सीखते बच्चों। मेरे YouTube चैनल BSR देवर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बच्चों आइए जानते हैं एक्सरसाइज 1D बुक से, RS अग्रवाल के बुक से। बच्चों किताब खोल लीजिएगा, एक्सरसाइज ये 1D है। क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं बच्चों, आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक सेट, डिफरेंस सेट सब पार्ट 1 में पढ़ लिया होगा, सीख लिया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है। ए का वैल्यू दिया बच्चों ABCDEF, बी का वैल्यू दिया गया बच्चों आपका B का वैल्यू दिया गया है CEGH और C का वैल्यू दिया गया है ACMN। ये दिया गया बच्चों। अब इसमें निकालना कहा है, पहला क्वेश्चन है A यूनियन B। तो बच्चों A यूनियन B क्या बताए थे कि A और B के एलिमेंट्स को एक जगह कलेक्ट कर देना है, एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है, यही ना है। चलिए A में ABCDEF है, पर लिखिए ABCDEF, ये लिख लिए। आप देखिए C यहाँ पर है तो C लिख चुके हैं, E यहाँ पर है तो E लिख चुके हैं, GH नहीं लिखे हैं। तो बच्चों GH को लिख दिए, ये आपका हो गया A यूनियन B। दो नंबर में है बी यूनियन सी, इसे आप खुद निकाल लीजिएगा। तीन नंबर में है ए यूनियन सी, इसे भी खुद निकाल लीजिएगा। चार नंबर बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, चार नंबर देखिए बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या बताया था आपको कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे निकाल लेना है बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी और सी में कुछ मिल रहा है, देखिए सिर्फ सी और सी मिल रहा है, तो बच्चे ये सी आपका आंसर हो गया। सॉरी बच्चों, ये आपका हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों सी इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है, एक ही तरह का सवाल है, आप खुद कर लीजिए बच्चों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 भी बच्चों लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन चलिए 2 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये एक्सरसाइज 1D सेट थ्योरी से है बच्चों, ये आपका पार्ट 2 चल रहा है आपका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों A=1 से लेकर 5 तक A का जो एलिमेंट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। B का जो बच्चों एलिमेंट दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8। सी का जो बच्चों एलिमेंट दिया गया है वो है 7, 8, 9, 10, 11 और डी भी दिया गया बच्चों। देखिए डी में क्या क्या दिया गया है, डी में है 10, 11, 12, 13, 14। तो बच्चों इसको निकालना है बच्चों। एक नंबर में है ए यूनियन बी जो कि आपने ऑलरेडी सीख लिया, दो में है बी यूनियन सी वो भी सीख लिया, ए यूनियन सी वो भी सीख लिया, बी यूनियन डी वो भी हो जाएगा। पांच नंबर करते हैं बच्चों, पांच में क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी कुछ नहीं है। दो का पांच नंबर में ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए बच्चों कैसे दिखेगा, ये भी सेम सवाल है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी निकाल लेना है, क्या निकालना है आपको ए यूनियन बी। चलिए ए यूनियन बी निकालिए, कैसे निकालेगा ए यूनियन बी, बता दिए हैं कि ए और बी के सारे एलिमेंट को एक जगह कलेक्ट कर देना है। चलिए निकालिए ए यूनियन बी, ये
इसमें 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 लिख लीजिए आप। 4 5 तो यहाँ लिख चुके हैं, 6 7 8 नहीं लिखे हैं, 6 7 8 ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब निकालना क्या था हमें, इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का मान यही निकला बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, और यूनियन सी में क्या क्या बच्चों, 7 8 9 10 यहाँ लिख देते हैं। सी में जो जो ये बच्चों यूनियन है 7 8 9 10 11 यहाँ तक है ना बच्चों। ए यूनियन बी 1 से लेकर 8 तक था, लिख लिए, फिर ये यूनियन का चिन्ह दिए, और सी में था आपका 7 8 9 10 11 तक, ये लिख लिए। अब करना क्या है हमको, इन दोनों का यूनियन ही तो करना है, यूनियन मतलब एक जगह कलेक्ट कर दीजिए। क्या क्या होगा बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, तो 1 से लेकर 8 तक तो कोई दाग नहीं होगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया बच्चों 1 से 8 तक, कमा दिए यहाँ पर 9 10 11 उसे लिख देना, 9 10 11 है ना बच्चों। ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने इसे भी सीख लिया। चलिए बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या है, इसे मिटाते हैं बच्चों। 2 का 1 आध सवाल और उठाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। 2 का बच्चों हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, 2 का क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 2 का ध्यान दीजिएगा, 2 का 8 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है बच्चों, है ना। देखिए कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है हमें, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या बोले थे, इंटरसेक्शन मतलब दिए गए सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। तो ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए और बी में जो जो कॉमन एलिमेंट लिखिए ए और बी में, तो देखते हैं बच्चों क्या कॉमन है, 4 5 4 5 और कुछ कॉमन नहीं है, तो बच्चे हो गया आपका 4 और 5। देखिए ए में 4 5 है, बी में भी 4 5 है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब बच्चों हमें चाहिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन एलिमेंट, बी और सी का, तो देखिए बी और सी में कुछ मिल रहा है, हाँ 7 8 यहाँ भी है, 7 यहाँ, देखिए 7 8 यहाँ भी है, 7 8 यहाँ भी है, तो बच्चों 7 8 को लिख दिए, 7 8 को लिख दिए। अब करना क्या है हमें, यूनियन ही तो करना है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 4 5, ये 4 5 लिख दिए बच्चों, यूनियन का चिन्ह दे दिए, और बी इंटरसेक्शन के सी कितना है, 7 8 7 8 भी लिख दिए। बस अब करना क्या है, यूनियन करना है, तो सबको लिख दिए मिलाकर 4 5 7 8, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि सब एक ही तरह का है, इसलिए मैंने चुन चुन कर एक दो बताया, आप आराम से बनाइए बन जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया, ये पढ़ क्या रहे हैं सेट्स में एक्सरसाइज 1D का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा जरूर देख लीजिए जाके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं लगता है कि बताना है, क्योंकि इसमें भी निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, वही घिसा पिटा सवाल। सवाल और बच्चों आते हैं 4 में, 4 भी वही है, लेकिन फिर भी चलिए 4 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बच्चों ए इक्वल टू, ये है बच्चों क्या, एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो बच्चों नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है,
देखिए तो बी में क्या लिखा है बच्चों, बुक खोल लीजिएगा, आर एस अग्रवाल का बुक खोल लीजिएगा। बी में क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है बट इवन है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इवन, एक्स इज इवन। ये साइन देख रहे हैं बच्चों, इस तरह का जो साइन देख रहे हैं इसका नाम है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। क्या नाम बच्चों, बिलोंग्स टू। ई मत सोचिएगा, ऐसे बोलते हैं एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट होना, बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए बी हो गया, अब सी में देखते हैं क्या क्या है। सी में है बच्चों एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज इवन ऑड एंड एक्स इज ऑड, एक्स क्या बच्चों ऑड। अब डी में दिया बच्चों डी इक्वल टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज क्या कह रहा बच्चों, प्राइम। प्राइम होता है ना अभाज्य संख्या जो किसी से भी नहीं कटता है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले दिया क्या कह गया है, ए दिया है कि एक्स जो है बिलोंग्स टू एन, एन मतलब एक्स जो है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, जो वन से शुरू होता है और जाता है इन्फिनाइट तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों सबसे पहले ए का मान लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर है, क्या होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, लास्ट एलिमेंट नहीं दिया गया है, एन तक जा रहा है। बी में क्या कहें बच्चों, नेचुरल नंबर है लेकिन एक्स इज इवन, प्राकृतिक संख्या है लेकिन सम है। सम में क्या क्या है बच्चों, टू फोर सिक्स एट डॉट 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 चल रहा है। सी में क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है लेकिन ऑड नंबर है, विषम संख्या जो दो से नहीं कटता है, तो क्या क्या है बच्चों, एक तीन पाँच सात डॉट डॉट डॉट। उसका डी क्या है बच्चों, आपका नेचुरल नंबर है लेकिन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, दो है, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह डॉट डॉट छोड़ दो, है ना बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो लिखते हैं बच्चों। चलिए इधर मिटाते हैं, कोई काम का नहीं रहा, इधर सांस ले चुके हैं जब कह रहा था। चलिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ये तीन है। अब क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है, देखिए तो ए में क्या है बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट डॉट, मतलब इवन और ऑड मिला हुआ है, मतलब सम और विषम मिला हुआ है। इसमें क्या है बच्चों, बी में टू फोर सिक्स एट सिर्फ इवन नंबर है, तो ए और बी में क्या मिलेगा, सिर्फ टू फोर सिक्स एट ही मिलेगा, तो लिख देते हैं टू फोर सिक्स एट डॉट डॉट डॉट। तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इवन लिख सकते हैं बच्चों, इवन नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर है और ऑल इवन नंबर्स। आप चाहे तो सिर्फ इतना छोड़ सकते हैं यार, इसको भी आंसर, इसको भी, जो आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। दो में क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी, दो में क्या है बच्चों आपका, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या मिलेगा, देखिए वन थ्री फाइव सेवन, ए में तो दोनों मिला हुआ है, इवन और ऑड मिला हुआ है, सी में सिर्फ ऑड दिया है, तो इसमें ऑड इवन दोनों है, यहाँ सिर्फ ऑड दिया है, तो ऑर्डर मिल रहा है, तो ऑड लिख देते हैं, मैंने कौन कौन, एक तीन पाँच सात डॉट डॉट, है ना। इसको चाहे तो आप ऑड भी लिख के आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी, समझ गए बच्चों। उसी प्रकार आपका थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है, सब आप बना लीजिए बच्चों। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, टिल देन गुड बाय बाय।